मास्क ना पहनने वालों को लगेगा अब करंट का झटका। फैसलाबाद जिले इंतजामिया का शहरियों को काबू करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक गन का इस्तेमाल। जिले यूनिवर्सिटी चौक में मास्क ना पहनने वालों को इलेक्ट्रिक शॉक लगाए गए। इंतजामिया कहती है कि मास्क की पाबंदी जरूरी है। बाहर निकलने से, घूमने फिरने से, बाजारों में जाने से ये लोग जो है वो जाहिर है इस वायरस का शिकार हो रहे हैं और होते रहेंगे, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं मास्क हम उसकी पाबंदी जो है हम वो करवा रहे हैं लोगों से। सरकारी मुलाजमीन की जानिब से शहरियों को थप्पड़ भी रसीद किए गए। नारवा सलूक पर लोग फट पड़े। ये जो झटके लगे हैं ये गलत किया है इन्होंने, ये झटके नहीं लगाने चाहिए थे, इनको चाहिए था कि इनको जुर्माना करे, जुर्माना नहीं देते तो इनको सजा दी जाए। अवाम तो पहले कोरोना से परेशान है, ये जो झटके लगा रहे हैं अवाम ने और परेशान होना है। मास्क ना पहनने वालों को आधा घंटा खड़ा रखने की सज़ा भी दी गई। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ उस्मान सदीक समा, फैसलाबाद।